Hello, good evening students. Today in 10th class mathematics, we are continuing the chapter triangles. In this, we were doing exercise 6.3. In exercise 6.3, we have completed up to question number 13. Aaj ki class abhi hum start kar rahe hain question number 14 se. Question number 14. This is a very important question. Thoda sa alag hai iska approach. Sides AB and AC. Bachcha, do triangles diye hain. और इसमें इसके दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना. एंड द साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन एडी, ये बच्चों मीडियन एडी है और इसमें यहां का ये मीडियन जो दिया हुआ है ये मीडियन पी आर है, पी एम है, सॉरी. ठीक है, अब प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है कि इसके दो साइड्स एंड वन मीडियन, दो साइड्स कौन से हैं? ये दो साइड्स पिछले प्रॉब्लम में ये वाला और ये वाला दिया था, और एक जो मीडियन था वो दो साइड्स जो प्रोपोर्शनल दिए थे उनमें से किसी एक को कट करना था, मीडियन, है ना. अब जो दो साइड्स दिए हैं ए बी और पी क्यू का रेशो, ए सी और पी आर का रेशो, दिस इज इक्वल टू ए डी और पी एम का रेशो. तो अब इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों? ये जो मीडियन है ये दिए हुए दोनों साइड्स में से किसी को कट नहीं कर रहा, ये किसी तीसरे साइड को कट कर रहा, बीसी को कट कर रहा और क्यू आर, और बीसी और क्यू आर नहीं दिया, बीसी एंड क्यू आर आर नॉट गिवन. दिस इज नॉट द केस विच वॉज प्रेजेंट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम. पिछले प्रॉब्लम में मीडियन दिया था और मीडियन जिस साइड को कट कर रहा था वो वाला साइड भी प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्लूडेड था, है ना. अब ये डिफरेंस है तो अब इसमें क्या प्रूव करना है? शो द ट्राइंगल, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. अब देखो बच्चों इसको कैसा करते हैं. इसमें अभी हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को. थोड़ा सा अच्छे से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी है. अब इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन. इसमें गिवन वाले पार्ट में दिस इज गिवन एंड ए डी इज द मीडियन और बच्चों पी एम इज ऑल्सो द मीडियन. अगर मीडियन है इसका मतलब क्या है? ए डी मीडियन है इसका मतलब क्या है? बी डी इक्वल टू डी सी है. और पी एम मीडियन है इसका मतलब क्या है? पी एम अगर मीडियन है तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, इसके मतलब मालूम होने चाहिए. अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इसमें एक कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं बच्चों, क्या? थ्रू डी पॉइंट, थ्रू डी पॉइंट वी आर ड्रॉइंग अ लाइन पैरेलल टू ए सी. डी से अभी हम लोगों ने एक लाइन डी ई ड्रॉ करी पैरेलल टू ई सी थ्रू डी, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू ए सी. ठीक, और क्या कर सकते हैं? अब हम लोग थ्रू एम ड्रॉ एम एस पैरेलल टू पी आर. ठीक, अभी कंस्ट्रक्शन कर लिया. कंस्ट्रक्शन से फायदा क्या हुआ वो देखो जरा, जो चीजें दी हुई हैं उनका क्या कोई अभी हम लोग यूज कर पाए. तो देखो इसमें अभी हम लोगों को ये मालूम है कि अगर आपने ये डी ई पैरेलल टू ए सी ड्रॉ किया, डी ई पैरेलल टू ए सी ड्रॉ किया, है ना, और डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी का ये मिड पॉइंट है. अच्छे से समझना ये चीजों को. ये देखो अभी हम अलग से ड्रॉ कर दें, ए सॉरी ये ए है, ये बी है, ये सी है. अब इसके मिडिल पॉइंट से आपने
इसके मिडिल पॉइंट से ये डी ई ड्रॉ किया पैरेलल टू एसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, कह सकते ई इज व्हाट द मिड पॉइंट ऑफ एबी, दिस इज व्हाट द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर आपने किसी एक साइड के मिडिल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एसी, इट विल कट द थर्ड साइड एट इट्स मिडिल पॉइंट। आपने बीसी के मिडिल पॉइंट से एसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, वो ए बी को कट करेगी और जहां पर कट करेगी वो मिडिल पॉइंट रहेगा। ठीक, एक तो ये चीज यूज होगी। फिर उसके बाद बच्चों डीई विल बी हाफ ऑफ एसी, ये भी कह सकते हैं डीई विल बी व्हाट हाफ ऑफ एसी, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। दीज आर द टू मिडिल पॉइंट्स और डीई जो है बच्चों हाफ ऑफ एसी रहेगा। अब देखो इसमें क्या चीज कह सकते हैं बच्चों, जो गिवन वाला पार्ट है उसको अभी हम लोग कॉपी कर रहे हैं। देखो हमने सिर्फ ये जो चीजें लिखी हैं वो सब इसके लिए लिखी हैं, मतलब इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है, बिल्कुल यही चीज यहां पर भी आएगी, ये और ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि M जो है मिडिल पॉइंट ऑफ क्यू आर है और MS MS पैरेलल टू RP है, MS पैरेलल टू RP है ना, तो S विल बी द मिडिल पॉइंट ऑफ PQ। ये अभी हमने लिखा नहीं है, है ना, तो हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं सिमिलरली S is थोड़ा सा दूर लिख दें मिड पॉइंट ऑफ PQ, है ना। तो ये बेसिक्स है बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखो जो गिवन है उसको कॉपी करो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये तो अभी कॉपी किया बस। ठीक, अब इसमें क्या करने वाले, एसी को देखो क्या लिख लेंगे, ट्वाइस डी लिख सकते हैं, एडीपीआर को कुछ नहीं कर सकते इसलिए ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, एमएस विल बी हाफ ऑफ पीआर, ये इससे पता बता सकते हैं, ये जो सिमिलरली आया एमएस विल बी, एमएस जो है बच्चों पैरेलल टू पीआर है और ये मिडिल पॉइंट है, तो ये एमएस विल बी हाफ ऑफ पीआर, तो पीआर की जगह क्या लिखेंगे, देखो पीआर की जगह टू एमएस, ये लिख लिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये इसका मिडिल पॉइंट है, और बीसी के मिडिल पॉइंट और बीए के मिडिल पॉइंट को अगर आपने ज्वाइन किया तो ये डीई विल बी हाफ ऑफ एसी, ये लिखा हुआ है। और बिल्कुल यही चीज इसमें, एम इज द मिडिल पॉइंट ऑफ क्यू आर, एस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ क्यू पी, देयरफॉर एमएस विल बी हाफ ऑफ पीआर, एमएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीआर, ये लिखा है। तो अब पीआर की वैल्यू टू एमएस, पीआर की वैल्यू टू एमएस और एसी की वैल्यू ट्वाइस डी ई लिख दिया। अब ए बी क्या है बच्चों, ए बी को ट्वाइस ए ई लिख सकते हैं, ए बी को ट्वाइस ए ई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ए बी को अभी हम लोग ने क्या लिख लिया, ट्वाइस ए ई, और पी क्यू को क्या लिख लेंगे, पी क्यू को ट्वाइस पी एस, बिकॉज इसके रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज E is midpoint of AB and S is the midpoint of PQ. अब देखो क्या कह सकते हैं, ये सब कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो AE upon PS is equal to DE upon MS is equal to AD upon PR. देखो क्या हो गया, इससे कुछ हुआ, ए ई अपॉन पी एस ये वाला साइड, ए ई अपॉन पी एस इज इक्वल टू डी अपॉन एम एस, डी ई अपॉन एम एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी आर, ए डी बच्चों ये आ गया
अपॉन पी आर ई आ गया। तो क्या आ गया, देयरफॉर ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल्स आ जाएंगे बच्चों, ट्राइंगल ए ई डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस एम, ए ई डी सिमिलर टू पी एस एम। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर आ गया। अब ये अगर सिमिलर है तो इसको वन लिख दिया, इसको टू लिख दिया, तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों, इस सिमिलरिटी से देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये वाला एंगल इस टू एंगल के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद सिमिलरली एक वर्ड है इंग्लिश में है ना, सिमिलरली अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये रब कर दें, कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है, इसके बाद यहां पर करते रहें। सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली आप एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थ्री लिख लिया, इसको फोर लिख लिया, इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा जो अपन नहीं कर रहे है ना। वो कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा बच्चों, इसके पैरेलल ये आप ड्रॉ करोगे, फिर इसके पैरेलल ये वाली लाइन आप ड्रॉ करोगे है ना, फिर उससे ये वाला इधर एक ट्राइंगल, ये वाला इधर एक ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करोगे। तो इतना सब करना नहीं है, प्रैक्टिस से यू कैन ट्राई एट होम है ना। तो अब ये हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमिलरली एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर है ना। तो ये थोड़ा सा साफ साफ कर दें, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया था, इस वाले पार्ट को सिर्फ थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। तो अब हम लोगों को वन इज इक्वल टू टू तो प्रूव कर लिया, और सिमिलरली करके लिख दिया कि एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर। अब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू था और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर आ गया, दोनों को ऐड कर दो, तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल फोर, और वन प्लस थ्री क्या आ जाएगा बच्चों, वन प्लस थ्री एंगल ए आ जाएगा एंड टू प्लस फोर एंगल पी आ जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बस काम खत्म हो गया बच्चों। देखो कैसे, आप ये वाला पार्ट ले लो, कौन सा ए बी अपॉन पी क्यू है ना, ये सब कुछ रब कर दे रहे आप कंस्ट्रक्शन वगैरह है ना, क्योंकि इसका काम हो गया खत्म, या फिर अलग से बना देते, चलो इसमें अलग से बना दें, थोड़ा सा छोटा करके बना देना, ए बी सी पी क्यू आर। इसमें अभी हमने क्या लिखा, क्या चीज लिख रहे हैं देखना, ये कॉपी कर ले रहे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और इनके बीच का एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बस यही प्रूव करना है ना, रिपीट कर दें अभी हम, इसमें अभी हम लोगों ने क्या बोला बच्चों, इसमें कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है कि आपने इसके मिडिल पॉइंट से डीई पैरेलल टू एसी ड्रॉ किया, मिडिल पॉइंट से ड्रॉ किया तो ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट थ्योरम से ये ई जो है एबी का मिड पॉइंट आ जाएगा, और डीई विल बी हाफ ऑफ ईसी, डीई विल बी हाफ ऑफ एसी, बिल्कुल यही चीज अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एमएस विल बी हाफ ऑफ पी आर, एमएस इज हाफ ऑफ पी आर, और क्या बोल सकते हैं, ई इसका मिडिल पॉइंट रहेगा, एस इसका मिडिल पॉइंट रहेगा, जो गिवन है इसको यहां पर कॉपी किया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये कॉपी किया, फिर उसके बाद ए बी की जगह क्या लिख लिया, ए बी जगह ट्वाइस ए ई, पी क्यू की जगह ट्वाइस पी एस, ठीक, ए सी की जगह, ए सी की जगह क्या लिखा बच्चों, टू डी ई, ए सी की जगह टू डी ई और पी आर की जगह टू एम एस, ये सब कैंसिल हुआ, तो ये बचा ए ई अपॉन पी एस इज इक्वल टू डी ई अपॉन एम एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी आर, मतलब इससे ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके एंगल्स इक्वल आएंगे, कौन से एंगल्स इक्वल आ जाएंगे बच्चों, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, देयरफॉर एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू, फिर सिमिलरली यूज करके सिमिलरली एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर, और इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर ये ए एंगल पी एंगल के बराबर आ गया है ना, तो ये हो गया। अब बच्चों इसमें एक मेथड और डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
है ना। अब आपको जो मेथड क्लिक कर जाए उसी को आप यूज करिएगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग वन मोर मेथड, उससे कॉन्सेप्ट्स भी बिल्डअप होते बच्चों हैं। इसमें मेन चीज जो है वो क्या है, इंक्लूडेड एंगल, जो ऊपर वाला एंगल था उसको इक्वल प्रूफ करना है। अब उसको इक्वल प्रूफ करने के देखो अलग अलग मेथड्स हैं। अब देखो अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, ए बी सी है, ये पी क्यू आर है ना। अब इसमें ये बच्चों डी पॉइंट है, और इसको अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, इसको अभी हम लोगों ने एम पॉइंट लिखा था। अब इसके बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो गिवन है, गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये दिया हुआ था, है ना, दिस इज गिवन। ठीक, अब इसके बाद बच्चों अब हम लोगों ने इसमें इनको अगर सिमिलर शो करना है तो फिर से अभी हम लोग इन्हीं दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगा लेकिन प्रूफ करने का तरीका अलग रहेगा। अब तरीका क्या है वो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन है इसमें, अगर से कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक्सटेंड AD टू E, AD को आप एक्सटेंड करो कहां तक, E तक एक्सटेंड कर दो, सच दैट AD इज इक्वल टू DE। AD किसके बराबर आ जाए बच्चों, DE के बराबर। आप इसको इतना आगे तक बढ़ा दें, बढ़ा दिया, और फिर जॉइन जॉइन सीई, हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, ये ई पॉइंट है। अब उसके बाद जॉइन सीई, सी और ई को अभी हम लोगों ने जॉइन कर दी, ठीक। अब अच्छे से समझना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, बच्चों देखना ये वाला एक ट्रायंगल, और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंसी जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है प्रूव करना, है ना। अब ये कैसे आएगा, ए डी इज इक्वल टू डी ई, किससे है, कंस्ट्रक्शन से, ए डी इज इक्वल टू डी कंस्ट्रक्शन से, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी क्यों है बच्चों, बी डी इज इक्वल टू डी सी क्यों है, क्योंकि डी इज द मिडिल पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट, और फिर इसके बाद ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। अब इसके बाद क्या बोल सकते हैं, ये ए डी बी और सी डी ई, ये दोनों एंगल्स, इसका रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो इसके बेसिस पर क्या कह सकते हैं, इसके बेसिस पर ट्रायंगल ए डी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईडीसी, ठीक। अब इसके बेसिस पर क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसके बेसिस पर बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी, ए बी विल बी इक्वल टू सीई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक। अब समझना ये सब क्यों कर रहे हैं इतनी सारी मेहनत, अभी हमने बार बार बोला ऑब्जेक्टिव यही है कि अपन को इसी एंगल पर आना है ना। अब कैसे आएंगे देखना,
इसमें मतलब ये एकदम अलग मेथड है। अब देखो, अब हम लोग इसको फिर से कॉपी कर रहे हैं, किसको जो दिया हुआ था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एन, ऐसा कुछ। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ट्वाइस ए डी कर दिया और ट्वाइस पी एन कर दिया। अब इधर भी तो कंस्ट्रक्शन है बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन अभी हमने लिखा नहीं है, इसको भी लिख दें, एस है ना, बिल्कुल ऐसे ही एक्सटेंड ए डी टू ई था, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सटेंड एक्सटेंड पी एम टू एम एस है ना, सच दैट पी एम इज इक्वल टू एम एस है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अच्छे सुनना, हम लोग इसमें लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली लिख दें क्या, या फिर चलो बता देते हैं है ना, फिर अभी आपको ऐसा लगेगा नहीं तो सिमिलरली नहीं लिखते है ना, इनको भी प्रूव कर दे रहे अभी हम, कौन सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, पहले हम सोच रहे थे कि डायरेक्टली लिख दें है ना, वैसे तुम लोग होशियार हो बहुत, पी एम इज इक्वल टू एम एस, पी एम इज इक्वल टू एम एस कंस्ट्रक्शन से, पी एम इज इक्वल टू एम एस कंस्ट्रक्शन से, क्यू एम ये पी एम इज इक्वल टू एम एस और क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। अब इसमें कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे बच्चों, ट्राइंगल पी एम क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट, पी एम क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एस एम आर, एस एम आर। तो अब इसके बेसिस पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये अभी हम सिमिलरली लिख सकते थे लेकिन अब हमने कहा अब आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये तीन लाइंस बना दे रहे हैं, क्या पी क्यू विल बी इक्वल टू एस आर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो अब चलते हैं आगे, मतलब कुल मिलाकर आपको इधर से आगे तक बढ़ाना है, ये और ये इक्वल, इतना बढ़ाना है कि ये और ये इक्वल हो जाए, फिर इसको ज्वाइन करना, फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, क्यों, क्योंकि इससे ये और ये इक्वल आ जाएंगे, ये और ये इक्वल, यहां पर ये और ये इक्वल, बस अब काम इतना सा ही है। अब इसको कॉपी कर रहे हैं, किसको, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, कॉपी कर लिया। अब क्या करें, ट्वाइस ए डी कर दिया, ट्वाइस पी एम कर दिया, आज पूरा समय इसी में चला गया बच्चों, देखो ए सी इज इक्वल टू पी आर ए सी लिख दिया। अब ए बी की जगह, ए बी की जगह अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह सी ई लिख सकते हैं, और पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह एस आर लिख सकते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, सी ई अपॉन एस आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी, ट्वाइस ए डी कितना आ जाएगा बच्चों, ए डी का डबल, चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ट्वाइस एडी की जगह अभी हम लोग ए ई लिख सकते हैं, और ट्वाइस पीएम की जगह बच्चों ये पीएम और एमएस कंस्ट्रक्शन से इक्वल बनाए थे, तो ट्वाइस पीएम कितना आ जाएगा, पीएम का डबल यानी पूरा यानी पीएस। अब देखो ये कौन से साइड्स हैं, सीई और एसआर, सीई देखो बच्चों कौन सा है, हम इसको ग्रीन कलर से मार्क कर दे रहे हैं, सीई बच्चों ये आ गया, एस आर ये आ गया, ठीक, ए सी, ए सी मतलब ये आ गया, और नीचे क्या है पी आर मतलब ये आ गया, फिर उसके बाद ए ई, ए ई मतलब ये पूरा, और पी एस यानी ये पूरा, मतलब क्या है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा वाला,
ट्राइंगल ए सी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी ई विल बी सिमिलर टू पी आर एस. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके क्या हो गया बच्चों, इसको 3 लिखा, इसको 4 लिखा. एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, 3 और 4 बराबर आ गए. उसके बाद सिमिलरली, सिमिलरली वर्ड अपन ने यूज किया था बच्चों, है ना, इसको 1 लिख लिया, इसको 2 लिख लिया. तो अब हम यहां पर कर दे रहे हैं बचा हुआ पार्ट, है ना, इसको रब करके एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया. और सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. और दोनों को अगर आप ऐड करोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, यानी 3 प्लस 1 कितना आ गया एंगल A, और 4 प्लस 2 कितना आ गया एंगल P. बस काम खत्म हो गया. अब क्या दिया हुआ था उसको कॉपी कर लो. ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर दिया था, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आ गया. देयरफॉर ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. और इसमें कौन सी एस ए एस सिमिलरिटी यूज हुई. ठीक है, क्लियर है. तो क्या है बेसिक्स, आपको इसको आगे एक्सटेंड करना है सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, इसको आगे एक्सटेंड करना सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस. फिर उसके बाद ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट. क्यों? क्योंकि आप इसको और इसको इक्वल प्रूव करोगे. इसी टाइप से ये ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस. और जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ए बी की जगह ये सी ई लिख लिया, और पी क्यू की जगह ये एस आर लिख लिया बस. और ट्वाइस ए डी की जगह अभी हम लोगों ने ये ए ई लिख लिया. तो इससे ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर, मतलब एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंड सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. दोनों को ऐड कर दो. सो दिस फिनिशेस व्हाट क्वेश्चन नंबर 14. चलो क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं. अब छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस, ये अभी हमें इसको समय अलग से देना था, दैट्स व्हाई वी हैड नॉट डिस्कस इन दिस इन द प्रीवियस क्लास. अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, क्वेश्चन नंबर 15 है. A vertical pole of length 6 meters cast a shadow 4 meter on the ground. At the same time, a tower cast a shadow 28 meters long. Find the height of the tower. अब इसमें बच्चों प्रॉब्लम जो है कैसा दिया हुआ है ये समझ में आया. प्रॉब्लम में आपको कुछ शैडो से रिलेटेड है, शैडो से रिलेटेड है मतलब अभी हम क्या बोल सकते हैं, शैडो अगर है मतलब सन की जो लाइट रेज है, सन की जो रेज है वो इक्वल एंगल्स बनाएंगी ग्राउंड के साथ. तो अब देखो अभी हम आपको डायग्राम ड्रॉ करके दे दे रहे हैं. इसमें अभी हम लोग ये बोलते हैं बच्चों लाइट रेज जो है वो किसी एक समय पर सेम एंगल बनाएंगी किसके साथ, ग्राउंड के साथ. अब इसमें इन्होंने क्या बोला है 6 मीटर, 6 मीटर अगर है तो ग्राउंड पर जो शैडो है, ग्राउंड पर जो शैडो है उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर्स. बच्चों का लाइट रेज ऐसी आ रही हैं तो दिस विल बी द एरिया ऑफ द शैडो, शैडो लेंथ. अब उसके बाद उसी समय पर इन्होंने बोला है किसी और जगह पर क्या दिया है, अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर्स लॉन्ग. ये टावर है बच्चों,
दिस इज अ टावर, और इसमें शैडो की लेंथ जो है बच्चों, शैडो की लेंथ 28 मीटर्स लॉन्ग है। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो अब इसमें क्या चीज कह सकते हैं बच्चों, देखो ये तो 90 है, ये भी 90 है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बच्चों अगर अल्फा है या कोई भी एंगल है तो ये एंगल सेम रहेगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि सन की रेज का, द रेज ऑफ द सन विल बी मेकिंग सेम एंगल एवरीवेयर, है ना, एट अ गिवन टाइम। एट अ गिवन टाइम का मतलब क्या है? दोपहर के समय वर्टिकल रहता है, शाम के समय इंक्लाइंड रहती है। तो शाम के समय पर आप यहां पर ले लें या कहीं और पर, दिस विल बी मेकिंग सेम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ए बी इज द पोल, ए बी बच्चों इसमें क्या है? पोल है, और पी क्यू इसमें टावर है। बीसी क्या है? शैडो ऑफ द पोल, और क्यू आर क्या है? शैडो ऑफ द टावर। अब इसमें क्या बोलेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्रीज, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ रेज ऑफ द सन इज इक्वल एट अ गिवन टाइम। ठीक, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो अब क्या लिखेंगे? एबी अपॉन पीक्यू विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर। अब क्या करेंगे? एबी कितना है? 6 अपॉन पीक्यू एच है, बीसी कितना है? 4 है, और QR कितना है? 28। H की वैल्यू बच्चों 42 मीटर्स आ गई। तो हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट? 42 मीटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, लास्ट क्वेश्चन आज का। If AD and PM are medians of a triangle ABC, ABC and PQR, AD and PM are the medians. मीडियन है बच्चों ये, और पीएम एडी मीडियन है, और पीएम भी बच्चों मीडियन है, ये दिया है। और क्या दिया है? ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये गिवन है सारी चीजें बच्चों, दीज आर गिवन। अब क्या प्रूफ करना है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखो इसमें क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी बच्चों सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर अगर है तो क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसमें एंगल ए विल बी इक्वल टू, सॉरी एंगल बी, आई एम सॉरी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। एंगल बी बच्चों किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर। और क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसे भी लिख सकते ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी को क्या लिख लें?
बीसी को देखो, ये दोनों इक्वल हैं, तो इस बी डी लिख लें। और क्यू आर को क्या लिख लें बच्चों, इसको ट्वाइस क्यू एम लिख लें। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। मतलब इस ट्राइंगल को देखो अगर आप, और इस ट्राइंगल को, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये कौन सा एस ए एस सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी रूल लिख दो अब, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यही प्रूफ होता है। सो दिस फिनिशेस दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.3। सो वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन द नेक्स्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।